नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का गोरखपुरिया ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि घर बैठे कैसे कमाएं लाखों महीना। तो दोस्तों ये हैं पंकज भैया, इनका यूट्यूब पर चैनल है टेक पीके हिंदी नाम से। दोस्तों इनका इनका एक वेबसाइट भी है जो वेबसाइट का भी नाम है टेक पीके हिंदी। दोस्तों आज पंकज भैया आप लोग को बताएंगे कि घर बैठे कैसे अर्निंग करें लाखों महीना। तो दोस्तों चाहे चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आज पंकज भैया का इंट्रोडक्शन लेता हूँ। तो पंकज भैया पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसे कैसे यूट्यूब पर आप आएँ, वेबसाइट कैसे चलाना सीखें। और तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से नमस्कार, और सबसे पहले स्वयं भाई को कि अपने यूट्यूब चैनल गुरुप्रिया ब्लॉगर पे आने का मौका दिया है। दोस्तों मेरा नाम है पंकज कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टेक पीके हिंदी, और मेरा एक वेबसाइट है जिसमें मैं ब्लॉगिंग करता हूँ जिसका नाम है वेबसाइट का नाम techpkhindi.com। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर टेक पीके हिंदी, और गूगल में आप सर्च करेंगे techpkhindi.com तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है पंकज, जैसे मैंने आप सभी को बताया मैं घर पे बैठ के अच्छा खासा अर्निंग कर लेता हूँ, मैं अपना खर्चा निकाल लेता हूँ और लगभग परिवार वालों को भी देख लेता हूँ। तो मेरे घर के अगल बगल में रहते हैं स्वयं, इनका नाम है जिनका आप सब देख रहे होंगे गुरुप्रिया ब्लॉगर, इनका यूट्यूब चैनल है। तो ये मेरे से मिलने आए हैं और आप सभी को मतलब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं आप सभी को बताऊँगा, और मैं आप सभी को बताऊँगा कि कैसे आप घर बैठे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा कि आप कैसे वेबसाइट को चलाना सीखें और कैसे कैसे अपने वेबसाइट को ग्रो किए और यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, ठीक है, जिसका मैंने नाम रखा टेक पीके हिंदी। ठीक है, उसके बाद मैंने वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग करी। ठीक है, तो मैंने जैसे वहाँ से अर्निंग किया तो मुझे लगा कि अब मुझे वेबसाइट भी बनाना चाहिए, तो मैंने एक वेबसाइट बनाया और मैं वेबसाइट से भी अच्छा खासा अर्निंग कर लेता हूँ, जो कि जो मैं अर्निंग करता हूँ जो कि YouTube के अर्निंग से काफ़ी ज़्यादा वो अर्निंग ज़्यादा होती है जो मैं अर्निंग करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप भी अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले एक वेबसाइट बनाइए, ठीक है, या फिर ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पे, आप कहीं पर वेबसाइट बनाइए और उस पर आप SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखिए, अपने पोस्ट को रैंक कराइए और कंटिन्यू काम करिए। अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आते हैं तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट तो है ही है, ठीक है, लेकिन उससे अगर अच्छा चीज़ अगर आप अर्निंग का सोर्स है वह है आपका यूट्यूब चैनल, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट में बहुत ढेर सारे रिस्क होते हैं कि वेबसाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन फिर भी वेबसाइट अपनी जगह पर सही है, उसको आपको उसके रूल को पॉलिसी को आपको ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा वेबसाइट को। ठीक है, यूट्यूब की पॉलिसी है, हर चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यूट्यूब जो भी है उतना कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी जितनी आपको वेबसाइट पर दिक्कत होती है। दिक्कत किसी बात की नहीं है, अगर आप ध्यान से काम करते हैं वेबसाइट से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वेबसाइट तो अर्निंग का सोर्स है ही है, जो कि यूट्यूब से ज्यादा अर्निंग वेबसाइट कराता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर आते हैं यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो आप यूट्यूब से भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और अपने खर्चे को निकाल सकते हैं। तो यही बात है, वेबसाइट से अर्निंग करता हूँ और यूट्यूब से अर्निंग करता हूँ अच्छा खासा। तो दोस्तों मेरा दोस्त तो ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। फिर मैं पूछता हूँ भाई से कि दूसरा क्वेश्चन, मतलब वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं किस तरह का आर्टिकल लिखूँ, कैसा आर्टिकल लिखूँ थोड़ा वो ट्रैफिक लाए, तो बताइए इसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेक कैटेगरी में लिखते हैं, ठीक है, तो आपको जाहिर सी पता है कि आप ऐप के बारे में बताइए, लेटेस्ट मोबाइल कोई लॉन्च होता है आप उसके बारे में बताइए। आप सभी को पता होगा, आप खुद जानते होंगे कि आपको लेटेस्ट मोबाइल मतलब नया फ़ोन लेने जाना होगा होता होगा तो आप क्या करते होंगे, आप गूगल पर सर्च करते होंगे लेटेस्ट मोबाइल अंडर कितने रुपये, ठीक है, इस तरीके से आप सर्च करते होंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों जैसे होता क्या है कि अगर आप मोबाइल के बारे में लिखेंगे तो मोबाइल के बारे में ज़्यादा पोस्ट लाइक करता है टेक के बारे में, अगर उसमें टेक बारे में अगर आप ऐप के बारे में अगर बताते रहते हैं फिर भी आपका जो कि पोस्ट रैंक करता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपका पोस्ट और जल्दी से रैंक करे तो आपके लिए सबसे अच्छा कैटेगरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग के लिए, ठीक है, आप ब्लॉग बनाइए या फिर वर्डप्रेस बनाइए, सबसे अच्छा कैटेगरी होता है आप जो नौकरी लेटेस्ट नौकरी आते हैं उसके बारे में बताइए, ठीक है, कि लेटेस्ट जॉब आया है, ठीक है, उसमें इतने पद हैं, वहाँ पे इतने सीट हैं, इस कैटेगरी में इतने सीट हैं, ठीक है, इस तरीके से करके आप बनाएंगे। होता क्या है जो होते जो जॉब के लिए पता करते हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं लेटेस्ट जॉब, इस तरीके से दोस्तों आपका पोस्ट जो कि है रैंक करेगा। और पोस्ट आपका कब रैंक करेगा, आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा डोमेन लेना है जो टॉप लेवल का हो, जैसे कि .com, .net, .in, इस तरीके से आपको डोमेन लेना है, तब जाके आपका जो कि पोस्ट रैंक करेगा। और आपको SEO तो अपना ज्वाइन कर लेना है, SEO फ्रेंडली आपको पोस्ट लिखना है। इस तरीके दोस्तों अगर आप लिखते हैं तो आप आपका पोस्ट जो कि रैंक करेगा, आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अच्छा खासा इनकम भी करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अच्छा भैया, ये जो आपने YouTube जब खोला था तो उस समय YouTube का कुछ मांग था कि नहीं? जब मैं YouTube चैनल पर आया था तो डिमांड यही था, ठीक है, कि आपके YouTube चैनल पे पूरे वीडियो को मिला करके टोटल 10,000 व्यूज चाहिए, ठीक है। तो जब मैं उस समय आया था टोटल 10,000 व्यूज का क्राइटेरिया पूरा करना था, तो जैसे मैंने उसको पूरा करने गया, उसके बाद से 2018 के जनवरी में, फरवरी में, लगभग जनवरी फरवरी में रूल ये आ गया कि आपके टोटल 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए पूरा वीडियो मिला करके। तो फिर क्या हुआ, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने अपना वीडियो डालते गया, तो मेरा एक वीडियो निकला जो कि वीडियो था अपना VIP नंबर खुद कैसे बनाए, वो लगभग वीडियो समय अगर देखेंगे YouTube चैनल पर जा करके तो 3.6 मिलियन के आसपास में वो वीडियो चला हुआ है। तो उससे मेरा 1,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया और वॉच टाइम पूरा हो गया, अच्छा खासा उससे मैंने अर्निंग भी किया है। तो सारा कुछ कंप्लीट हुआ, मेरा चैनल रिव्यू में गया और इसके बाद से जो कि मेरा चैनल अप्रूव हो गया, मैं कुछ अच्छा खासा पैसा उससे भी रिव्यू जनरेट करने लगा यूट्यूब से भी। तो भैया आपने यूट्यूब पहले खोला, फिर वेबसाइट वे फिर जो वेबसाइट तो आप कैसे रनिंग कराएं, कैसे ग्रो वेबसाइट किए? को मैंने रनिंग क्या कराया, पहले मैं तो बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल था तो मुझे तो आइडिया था ही, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। तो मैंने अपना वेबसाइट बनाया, ठीक है। बनाने के बाद मैंने वहां से 2 से लगभग 3 महीने, लगभग 3 या 4 महीने तक मैंने कोई भी पैसा अर्निंग नहीं किया, बस मैंने उस पर काम किया, काम करते गया, पोस्ट लिखते गया और सारा पोस्ट SEO फ्रेंडली लिखते गया, ठीक है। अब जब मैं लिखते गया तो क्या हुआ कि मेरा पोस्ट ऑटोमेटिक रैंक करने लगा, जब रैंक करने लगा तो अच्छा खासा अर्निंग होने लगा, जब अर्निंग होने लगा तो मुझे लगा कि यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग तो वेबसाइट में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूट्यूब में CPC बहुत कम मिलता है, यूट्यूब में अगर देखेंगे CPC मिलता है कि आपको $0.01, $0.02 कभी कभी जीरो जीरो मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेबसाइट का CPC देखेंगे तो $0.08 रहता है, कभी कभी 0.010 हो जाता है, 0.12 हो जाता है डॉलर, इस तरीके से आपको CPC मिलता है, यानी कि आपको एक क्लिक का आपको इतना मिल जाता है जो कि आपको YouTube इतना नहीं दे पाता है। तो अच्छा खासा अर्निंग होता है वेबसाइट से, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। लेकिन YouTube भी अपने जगह बहुत अच्छा है, ठीक है, YouTube भी बहुत सेफ है, ठीक है। थोड़ा सा वेबसाइट थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ का सब ख्याल रखना होगा, हर चीज़ आपको मेंटेन करना होगा। YouTube में उतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट लिख करके अपना वेबसाइट रैंक करा करके आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब YouTube पे बहुत लोग डालते हैं फेक कि 100 व्यूज का इतना डाला, 1 व्यूज का इतना पैसा कैसे के, तो ये सब मतलब क्या है YouTube का खेल कि मतलब कितने व्यूज के कितना डॉलर बनता है, और टेक कैटरिंग कितना होता है 500 व्यूज का, 1,000 व्यूज का, और कमेडी ये सब मतलब कैसे? देखिए, मैं मेरा तो मतलब जो भी चैनल टेक कैटेगरी का है मैं आपको टेक कैटेगरी का बता पाऊंगा, ठीक है। अब तो ब्लॉगिंग का तो सेम भाई ये बताएंगे कितना मिलता है, ठीक है, मैं आपको टेक कैटेगरी का बता रहा हूँ, ठीक है। टाइटल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके टाइटल में किसी ऐप का नाम है जैसे ट्रूकॉलर नाम है, ठीक है, व्हाट्सअप नाम है, ठीक है, कुछ अच्छे जो फेमस ऐप है उस टाइटल में अगर नाम दे दिया है ऐप का तो बहुत अच्छे खासे अर्निंग होते हैं। लगभग आप मान लीजिए कि लगभग में 1,000 व्यूज के $1.20 पे $1 मिल जाते हैं, कभी कभी होता है क्या, कभी 500 व्यूज के $1 मिल जाते हैं, मैंने बताया ना कि वो टाइटल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कभी कभी होता है क्या कि 4-4, 5-5 हज़ार व्यूज के $1 मिलते हैं, तो इस तरीके से अर्निंग होता है। लेकिन 100 व्यूज का अगर किसी को $1 मिल जाए तो बहुत ही महान होगा जिसको मिल जाए, मुझे नहीं पता है कि किसी को मिला होगा 100 व्यूज का $1। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत फेक भी नहीं जाता है, बहुत अच्छा भी नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए PK ने आप लोगों को बारीकी समझाया कि मतलब कितने व्यूज कितने डॉलर बनता है। तो भाई मेरे दर्शकों को इंतजार है कि मतलब भाई कितना कमा लेते हैं महीने के यूट्यूब से और वेबसाइट से अर्निंग। तो भाई आप बताइए मतलब कितना अर्निंग कर लेते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई अपना जो कि एग्जैक्ट अर्निंग है नहीं बताता है, ठीक है, फिर भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब का तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का वीडियो आप यूट्यूब में ही देख रहे हैं तो इसके पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं आपको वेबसाइट का पेमेंट रिसिप्ट का अर्निंग यहाँ पर आपको दिख जाएगा, स्वयं भाई लगा देंगे वीडियो के एडिटिंग में, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने अपना कुछ डाटा जो कि हाइड रखा है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं और जो कि यहाँ दिख रहा होगा $800 है, तो मेरी वेबसाइट की 1 महीने की अर्निंग है, ठीक है, और दिख रहा होगा 21 दिसंबर जो कि अपडेट भी देख पा रहे हैं इसी महीने की है, तो दिख रहा होगा मैंने वेबसाइट से इतना का अर्निंग किया है, और लगभग यूट्यूब से भी थोड़ा सा ही कम होता है लेकिन फिर भी उससे भी हो जाता है अर्निंग, तो लगभग महीने का 1 लाख के आसपास में हो जाता है अर्निंग घर बैठे। तो आप भी इस तरीके से करके आप महीने का अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपके अंदर पेशेंस है तो पेशेंस के अंदर काम करेंगे तो आपका भी चैनल जो कि यूट्यूब पे अगर आए हैं तो मोनेटाइज होगा, वेबसाइट पे आए हैं आपका वेबसाइट अप्रूव होगा, जब वेबसाइट अप्रूव हो जाएगा एड दिखा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा खासा अर्निंग करेंगे।
तो यही सब है अर्निंग करने का घर बैठे। इसमें अगर इस जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा पैसा आप अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, घर बैठ के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा अपने यहाँ पर पंकज भैया यानी कि पीके भैया ने बताया आपको अर्निंग के बारे में कितना कर लेते हैं, और आपको भी बताया कि घर बैठे कैसे कमाए लाखों रुपए महीने और यूट्यूब के माध्यम से कैसे कमाए इतना रुपया। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग एंड नए वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।